हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ रही है कि नासा ने ब्लैक होल की आवाज़ को कैप्चर कर लिया है और उसने अपने साइट पे लॉन्च भी किया। तो पहले उसको आवाज़ को सुनते हैं, फिर उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपने ये आवाज़ सुना, आपने देखा होगा काफ़ी ये डरावनी आवाज़ है। तो ये डरावनी आवाज़ इसलिए है क्योंकि ये असली आवाज़ नहीं है। ये आवाज़ ओम की तरह सुनाई दे रही है लेकिन ये टोटल असली आवाज़ नहीं है। होता क्या है, देखिए मैं आपको एक ये बात समझाता हूँ। मान लीजिए आप खड़े हैं, आपका कोई दोस्त है, उसने आपको क्या किया, ऐसे इशारे में क्या किया। मान लीजिए जैसे होता है ना कि तेरी ऐसे बोलते हैं, तो बोलते हैं नहीं तुमने गाली दिया, तो बोलता है नहीं नहीं मैंने गाली नहीं दिया। नहीं, आप बोलते नहीं आप तुमने गाली दिया है। अगर तुम्हारी आवाज़ वो तेज़ होती तो क्या होता, वो गाली ही होता। तो वैसे ही नासा ने क्या किया कि जो ये गैलेक्सीज आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूं, ये जो आप गैलेक्सी देख रहे हैं ठीक है, इसके बीच में क्या है, ब्लैक होल है। अब ये क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, इमेज से आवाज निकाली। अब आप सोचेंगे इमेज से आवाज निकालने का मतलब क्या होता है। देखिए कभी कभी आपने देखा होगा कोई इंसान कुछ बोल रहा है तो आप उसकी होंठ को पकड़ के आप बता देते हैं कि वो क्या बोलने वाला है। और अगर आपकी उसकी असली आवाज़ आपके पास हो तो उस आवाज़ को क्या करेंगे, उसको मिला देंगे तो आपकी उसकी असली आवाज़ मिल जाएगी। उसको दूसरे तरीके से ऐसे समझते हैं, जब आप डीजे में जाते हैं तो आप देखते होंगे कि जब डीजे में क्या होता है, जो आवाज़ होती है धीमे होती है लेकिन उसको क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। वैसे ही नासा ने क्या किया है कि जो गैलेक्सी का इमेज था उन्होंने पाया कि इसके बीच में जो ब्लैक होल है ठीक है, और ये चारों तरफ क्या है, ये पार्टिकल है। आप देख रहे हैं यहाँ पे इसके पार्टिकल है, डस्ट से भरे हुए हैं। इसके बीच में क्या हुआ, वाइब्रेशन पैदा हुआ, क्या हुआ, प्रेशर पैदा हुआ, इससे क्या हुआ, एक हलचल पैदा हुई। उन्होंने वो हलचल देखा और वो हलचल देख के उन्होंने क्या किया, उस आवाज को क्रिएट किया। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सोनिफिकेशन बोलते हैं, जिसमें क्या होते हैं, वो चित्र को देख के क्या करते हैं, एक आवाज बनाते हैं ठीक है। अब आइए जानते हैं कि वो आवाज कैसे उसको बढ़ाते हैं, वो आवाज क्या होता है। देखिए कोई भी गैलेक्सी होती है उसके बीच में जब ब्लैक होल होता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था ब्लैक होल क्या होते हैं, रिपल्स पैदा करते हैं। जब भी उनमें कुछ हलचल होगी तो क्या करेंगे, वाइब्रेशन पैदा करेंगे, वेव पैदा करेंगे, जिनको ग्रेविटेशनल वेव बोलते हैं। तो जब वो गैलेक्सी के बीच में होते हैं ठीक है, जब वो वेव पैदा करेंगे तो क्या होगा, उनके बीच में हलचल होगी, उनके पार्टिकल होंगे, क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, वाइब्रेट करेंगे, टकराएंगे ठीक है, जिससे क्या होगा, आवाज़ क्रिएट होती है। उस पार्टिकल कैसे आवाज़ क्रिएट होती है, अब ये समझिए, हवा से क्या, जब आप बोलते हैं तो हमारी जो वाइब्रेशन है क्या होती है, हवा के थ्रू जाती है और दूर किसी दूसरे इंसान के कान में पहुंचती है। वैसे ही क्या हुआ, जो वैज्ञानिकों ने देखा कि जो गैलेक्सीज उनके बीच में जो पार्टिकल का जो वाइब्रेशन हो रहा है, तो उनको ये वाइब्रेशन पता चल गया। तो उस वाइब्रेशन के हिसाब से क्या किया उन्होंने, उन्होंने क्या किया, एक आवाज़ बनाई ठीक है, और ये आवाज़ उन्होंने लॉन्च किया। और ये आवाज़ आप देख रहे होंगे काफ़ी ये भयानक भी लग रही है, डरावनी भी लग रही है। इसका कारण ये है कि ये आवाज़ जो है काफ़ी, देखिए जब कोई जो कोई वो होता है, कोई आवाज़ होती है जब इसका हर्ट्स काफ़ी कम होता है, उसकी वाइब्रेशन काफ़ी धीमे होती है, तो जो इंसानी दिमाग होता है उसको देख के क्या होता है, उसको सुन के डरने लगता है। अब आइए जानते हैं इस आवाज़ के बारे में और इसके ऑस्किलेशन के बारे में जानते हैं कि ये कितना धीमे है। देखिए जो हमारा जो इंसान होते हैं, जो उनकी नॉर्मल सुनने की क्षमता होती है, वो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज होती है। मतलब 20 हर्ट्ज का मतलब ये होता है एक सेकेंड में ठीक है, एक सेकेंड में 20 बार चक्कर ठीक है। चक्कर का मतलब क्या होता है, जैसे ये एक पेन है ठीक है, ये क्या हुआ, एक बार घूमा, दो बार घूमा, तो मतलब क्या होगा, ये 20 बार घूमे। वैसे ही आवाज़ क्या है, यहाँ से चली यहाँ तक आई, ये क्या हुआ, एक चक्कर हुआ, मतलब यहाँ तक एक चक्कर हुआ, फिर 2 चक्कर 3 चक्कर, तो एक सेकेंड में जब कोई आवाज़ 20 बार चक्कर लगाती है ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, 20 हर्ट्ज बोलते हैं। वैसे ही ठीक है, ये जो नासा ने कैप्चर किया है, ये आवाज़ किसकी है, जो आवाज़ ब्लैक होल से आई है, इसको एक चक्कर लगाने में कितना वक्त लगता है, 9.8 मिलियन ईयर, कितना, 9.8 मिलियन ईयर, इतना वक्त लगता है इस आवाज को एक बार चक्कर लगाने में। तो आप समझ सकते कितना धीमा है, ये इतना धीमा है कि इसको ठीक है, इसको ये कलुआ डॉन भी नहीं सुन सकता ठीक है, ये मेरा डॉगी है ये भी इसको नहीं सुन सकता है, ये इतना ज्यादा धीमा है। तो ये क्या करते हैं, पहले उस आवाज को कंप्यूटर उसको कैप्चर करते हैं और फिर क्या करते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसीज को बढ़ाते हैं और उसको इस हद तक लाते हैं कि इसको हम सुन सकें। और जैसा कि आप ये आवाज़ सुन रहे होंगे, तो आप ये देख रहे होंगे इसमें जो आवाज़ आ रही है ओम की लगभग आवाज़ आ रही है। और हमारे वेदों में भी ये लिखा गया है कि ये दुनिया जो क्या है, वे ओम के वाइब्रेशन से बनी है। तो आई थिंक, ये मुझे ऐसा लगता है, वो भी मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ,
तो एक ये भी बहुत बड़ा एक चमत्कार है जो नासा ने आवाज पाई है। मैं आपको ये भी बता दूं, कुछ टाइम पहले सूर्य की आवाज उन्होंने कैप्चर किया था, उसमें भी लगभग यही आवाज आ रही थी, जिस मतलब ओम की तरह ही आवाज आ रही थी। तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और बताएं कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।